हमीरपुर जिला की देई कानोड़ पंचायत प्रधान ने उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को बेबुनियादी करार दिया है। पंचायत प्रधान ने पंचायत के लोगों के साथ मिलकर उपायुक्त हमीरपुर को इस मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा है। पंचायत प्रधान ने इसे कुछ लोगों की साजिश करार दिया है। जिला हमीरपुर की देई कानोड़ पंचायत के प्रधान ने भ्रष्टाचार के आरोपों को सिरे से नकारा है। प्रधान ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। देई कानोड़ पंचायत प्रधान रंजन कुमार का कहना है कि उन पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं, जो कुछ लोगों की साजिश है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई और अगर आरोप गलत साबित पाए जाते हैं तो शिकायतकर्ताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। यहाँ पे लोग अपनी बात रखने के लिए महिला मंडल वाले लोग, गाँव के जो मनरेगा का मैं जो काम करते लोग, उनकी कमेटियों के लोग, इसके अलावा पूरी पंचायत आपके समक्ष खड़ी है। भूतपूर्व हमारे पास पंच खड़े हैं, ये इस बात के सरेआम गवाह हैं कि गांव में विकास हुआ है और उन विरोधी लोगों को ये विकास पचता नहीं। और ज्यादातर लोग तो वहां रहते ही नहीं जो शिकायत करते हैं। आप अलग अलग लोगों से अलग अलग बात पूछ सकते हैं। अगर फिर भी प्रशासन को लगता है कि कहीं पर किसी चीज में त्रुटि या कमी है तो उस चीज को जब मर्जी जैसी मर्जी जांच कभी भी करी जा सकती है। निष्पक्ष जांच चाहेंगे क्योंकि हर काम को करवाने के लिए, जैसा मैंने पहले भी कहा, रेजोल्यूशन जाएगा ग्राम पंचायत से, उसको पास करने के लिए ग्राम सभा बैठती है, ग्राम सभा के बाद टेक्निकल सेंक्शन के लिए आएगा, अप्रूवल काम के लिए जाती है। जब मौका पे काम करना है उसके लिए बाकायदा रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी कुछ रास्तों को लेके, जो कागजों में रास्ते नहीं लिखे होते उन रास्तों के बारे में कि मौका पे रास्ता होता है, वैसे रास्ता नहीं होता कागजों में, तो उस चीज को भी ठीक करने के लिए हमारे पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, बाकायदा तहसीलदार को लिखा जाता है, वो रिपोर्ट्स आती हैं काम शुरू करने से पहले। हर चीज में सीक्वेंस बना होता है। अब आनन फानन में किसी को डिमोरलाइज करने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए, एक अच्छी खासी पंचायत का नाम बदनाम करने के लिए, वो तो एक षड्यंत्र, एक साजिश लोगों ने रची है, कुछ लोगों ने, सब लोगों ने नहीं। आप देख रहे हैं हमारे पास 100 के करीब लोग आते हैं यहाँ पे, जो छोटा सा ट्रेलर है। जब ग्राम सभाओं की बात आती है तो हमारे पास 200-300 लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। वो जबरदस्ती घरों से नहीं बुलाए जाते, लोग अपना किराया खर्च के अपने, हमारे लगातार फोन आ रहे थे कि प्रधान जी हमें हर चीज़ को रिटेलिएट करना है, तो वो लोग आपके सामने मौजूद हैं। प्रधान या पंच कुर्सियों पर मर्जी से तो बैठते नहीं जाते, जाके लोगों ने चुने होते, लोगों का उनके साथ समर्थन रहता है, तो ये हमें अपनी बात आपके सामने रखी। आपको बता दें कि पिछले दिनों आरटीआई समेत अन्य दस्तावेजों के आधार पर कुछ लोगों ने पंचायत प्रधान पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इसको लेकर उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा को शिकायत भी भेजी गई थी। लोगों के आरोप थे कि पंचायत प्रधान ने जिला प्रशासन को गुमराह कर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, हमीरपुर।